रामनगर से बागेश्वर को जा रही एक बस और एक कार की रामनगर मार्ग पर एक रेस्टोरेंट के पास जोरदार भिड़ंत हो गई। इस हादसे में कार सवार 3 लोग घायल हो गए, जिनमें से एक गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को रानीखेत के सिविल अस्पताल में रेफर कर दिया गया। जानकारी के मुताबिक बीते दिन केमू बस बागेश्वर जा रही थी। रामनगर रोड में मोनाल रेस्टोरेंट के पास बस की दूसरी दिशा से आ रही एक टैक्सी कार से जबरदस्त टक्कर हो गई। इस दुर्घटना में कार का अगला हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया और शीशे भी टूट गए। दुर्घटना के बाद आसपास मौजूद लोगों ने कार सवारों की मदद की और पुलिस को भी इस घटना की सूचना दी। इस बीच कार सवार घायल रमेश पाठक, कमला देवी और एक और महिला को बाहर निकाला गया। पुलिस ने सभी घायलों को CHC भतरौज खान भिजवाया, जहां चिकित्सकों ने उनका उपचार किया। घायलों में रमेश पाठक को बेहतर उपचार के लिए रानीखेत अस्पताल रेफर कर दिया गया। वहीं अन्य घायलों को अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। इधर रानीखेत नागरिक अस्पताल के चिकित्सकों ने बताया कि घायल रमेश पाठक को बीती शाम भतरौज खान से यहां रेफर किया गया था। उपचार के बाद उनकी हालत में सुधार होने पर उन्हें भी अस्पताल से घर भेज दिया गया है।